हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनशाइन हिंदी टैरो। जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि थर्ड पार्टी एंड आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। अगर आप किसी भी तरह के थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं डियर, तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहें तो उसकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंसन किए हुए हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, अगर चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए अब हम रीडिंग पर फोकस करते हैं। सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, आपको खुद का ख्याल रखना है, रोना धोना बिल्कुल भी नहीं करना है। और डियर, मैं ये कहना चाहूँगी कि आप खुद का ख्याल रखें यार, रोना धोना बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। आप यूनिवर्स गॉड पर इतना ट्रस्ट रखें कि जो आपके लिए सही है ना वो कर रहे हैं, ठीक है। वो तो उन पर हमेशा ट्रस्ट बनाए रखें अपना। माय गॉड, माय यूनिवर्स मैन, जस्ट प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन एंड थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। प्लीज मुझे बताएं, माय गॉड, माय यूनिवर्स मैन, जस्ट प्लीज मुझे गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पर्सन एंड थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये कार्ड्स आना चाह रहा था। थ्री ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पिसेस। एक वीडियो बनाई थी ना, उसमें भी ये थ्री ऑफ कप्स आया था। आई थिंक सेवन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पिसेस, वही है यार, जो सच्चाई है वो तो आएगा ही ना। दिखा तो ऐसे रहे हैं पर हैं क्या, देखो आप खुद ही देखें। टेम्परेंस, ओके, आई गॉट माय इन्वेस्टमेंट, जस्ट प्लीज मुझे आगे बताएं। ये कार्ड्स मैं लूँगी। फोर ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है सैजिटेरियस, ओके। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, बॉटम ऑफ द डेक में आया है सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी में कुछ इस तरह से चल रहा है कि सही तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कुछ, ठीक है, सही मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ये पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी में दिखाई दे रहे हैं, डिप्रेशन फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, दुखी दिखाई दे रहे हैं, रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो कुछ भी गलतियाँ इन्होंने किया है आपके साथ, रिग्रेट हो रहा है इस पर्सन को कि हाँ मैंने क्या कर दिया, क्या कर दिया मैंने, इस टाइप का कुछ दिखाई दे रहा है इस पर्सन का। बट वही है कि ये पर्सन शो नहीं करेंगे आपको कुछ इस तरह का है, ठीक है। आप इसमें हो यार, ठीक है, आपकी फीलिंग्स है आपके पर्सन के दिल में, इसलिए मैंने आप हो इसमें, इसलिए मैंने आपके लिए आपको बताया, ठीक है। यानी कि आपके लिए इनके दिल में जो फीलिंग्स है उसको मैंने बताया, क्योंकि ये सोच रहे हैं वही, इसीलिए मैंने आप बताया, ठीक है। अब ये ना कहें कि दीदी थर्ड पार्टी की रीडिंग है तो हम कहाँ से आ गए, इस तरह से ना किया करें, क्योंकि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, तो बताऊंगी ना जो आया है वो। तो चलिए, हाँ अब हम आगे देखते हैं। ये बाहर तो ऐसा दिखाई दे रहे हैं कि आई थिंक आपके पर्सन जो है ना वो थर्ड पार्टी के साथ सेलिब्रेशन कर रहे हैं, पार्टीज़ कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ। बट ये अंदर से खुश नहीं है, अंदर से ये आपके पर्सन मुझे खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आई थिंक थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन का काफ़ी ज़्यादा कहना चाहिए कि इनका पीछे पीछा करती हैं या तो करते हैं, ठीक है, कि थर्ड पार्टी कैसा है कि ये मुझ पर भी ध्यान दे, मुझ पर भी ध्यान दे, इस टाइप का कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। बट नहीं, आपके पर्सन मुझे पेन में दिखाई दे रहे हैं। आई थिंक आपके पर्सन को कुछ हेल्थ इशूज़ भी हो रहा है, हेल्थ इशूज़ इनको हो रहा है, या तो इनका बिजनेस कैरियर में मुझे गिरावट दिखाई दे रहा है, ठीक है, इनके बिजनेस गिरा या कैरियर में कुछ गिरावट मैं देख पा रही हूँ। या कई लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि इनके बिजनेस जो कई लोगों के लिए मुझे ये वाइब्स आ रहे हैं कि आपके पर्सन के लाइफ में किसी भी तरह का कैरियर में ना एक नेक्स्ट लेवल पर आगे बढ़े, ठीक है, कैरियर में जिसका जश्न ये मना रहे हैं। आई थिंक ये पर्सन मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहे हैं। और थर्ड पार्टी के लिए इनका यही है डियर जो आपके लिए ये पर्सन करते थे, ठीक है, यानी कि उनको भी एक ऑप्शन के रूप में रखना, उसको भी एक ऑप्शन देखना। तो आपके पर्सन अभी भी इससे कन्फ्यूज़ हैं कि इनको क्या मैंने सही चूज किया है, क्या मैंने सही चूज किया है, थर्ड पार्टी के साथ मैंने आगे बढ़कर
हो सकता है कई लोगों के लिए आपके पर्सन मैरिड हो, या तो इनका शादी के बाद चल रहा है, ठीक है, तो आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि क्या मैंने सही डिसीजन लिया इसको चूज करके, क्या मैंने सही डिसीजन लिया, और इनको लग रहा है कि नहीं मैंने क्या कर दिया, मैंने सही डिसीजन नहीं लिया, कुछ ऐसा आपके पर्सन का है। ये बैलेंस बनाना चाहते हैं थर्ड पार्टी और अपने बीच, ठीक है, लाइफ के बीच बैलेंस बनाना चाहते हैं आपके पर्सन, पर नहीं, थर्ड पार्टी जो है इनको कुछ तो धोखा दे रही है, या तो थर्ड पार्टी की तरफ से इनको कुछ धोखा मिलने वाला है, किसी भी तरह का धोखा मिलने वाला है, आई थिंक मिल चुका है, इसलिए भी हो सकता है आपके पर्सन पेन में हो, उनको रिग्रेट हो रहा है, आपकी वैल्यू जो है इनको कदर हो रहा है, इसलिए भी हो सकता है कि इन्होंने इनके साथ धोखा हुआ है, क्योंकि आपके पर्सन मुझे यहाँ पर खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि थर्ड पार्टी के साथ बहुत खुश है तो, पर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, सामने से कुछ और दिखाते हैं, इनका कुछ ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, बट अभी भी ये पर्सन अपना अकड़ नहीं छोड़ने वाले हैं ना, ठीक है, अपना अकड़ नहीं छोड़ने वाले हैं ये पर्सन। चलिए डियर, और देखते हैं थर्ड पार्टी एंड आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है, लाइक और माइंड वॉश मैन जस्ट प्लीज मुझे बताएं। जो मेरे व्यूवर्स के पर्सन हैं और थर्ड पार्टी जो है इनके बीच क्या चल रहा है प्लीज मुझे गाइड करें। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, टेन ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, द फूल जो है वो आ गया, देखो मैं मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, ठीक है, जो मुझे दिखाई दे रहा है मैं वही बता रही हूँ डियर। तो मैं क्या कह रही हूँ कि ठीक है, जो थर्ड पार्टी के साथ न्यू शुरुआत जो इन्होंने किया है ना, हो सकता है आपके पर्सन मैरिड हैं, इनके बच्चे हैं, या हो सकता है आपके बच्चे हैं, या ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है, या तो ये अपनी अपनी मदर का कहा बहुत ज़्यादा मानते हैं, अपने पेरेंट्स का कहा बहुत ज़्यादा मानते हैं, इनके पेरेंट्स इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अपने पेरेंट्स के लिए एक बेबी की तरह है, इस तरह का भी हो सकता है डियर, ठीक है। तो आपके पर्सन को ये लगता है कि इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ जो न्यू शुरुआत की थी ना, इनको खुद ब खुद आई थिंक एहसास हो गया कि इन्होंने फूल वाला शुरुआत किया था, इन्होंने गलत गलत डिसीज़न लिया था, आपके पर्सन को यह एहसास हो गया है, और आपके पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, ये जो अपने माइंड में डिसीजन लिए थे ना कि मैंने तो बहुत सही किया, मैंने अपने दिमाग का सुना, दिमाग से ये आई थिंक ये पर्सन अपने दिमाग से ये डिसीज़न लिए थे, ठीक है, जो थर्ड पार्टी का चुनाव इन्होंने किया था वो दिमाग से ही लिए थे, तो इनको अक्ल आ गई है आई थिंक आपके पर्सन को, या तो फ्यूचर में आने वाली है इनको, ठीक है, खाई से गिरेंगे तभी इनको समझ आएगी। अब ये नहीं डियर कि खाई से गिरने का मतलब ये नहीं कि पहाड़ से गिर गया, ऐसा नहीं है, ठीक है, वो ये है कि लाइफ के पहाड़ से, समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रही हूँ, लाइफ से में जब धक्का पड़ेगा ना आपके पर्सन को, तब समझ आएगी, तब अकल आएगी कि हाँ इन्होंने क्या किया है, और ये पर्सन मुझे गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, थर्ड पार्टी के लिए गुस्सा कर रहे हैं, ठीक है, इनका फैमिली भी है ना, तो ये पर्सन गुस्सा कर रहे हैं, कटे कटे से रह रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ मुझे इनका कुछ सही नहीं दिखाई दे रहा है, ये ना अलग दूर रह रहे हैं, पता है, थर्ड पार्टी के साथ ये मुझे दूर रहते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर थर्ड पार्टी इनकी वाइफ भी है तो कहना चाहिए थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच, अगर ये लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो यस इनके बीच रोमांस है, ठीक है, नहीं कहूँगी नहीं है करके, है रोमांस है इनके बीच, ठीक है, प्यार भी कर सकते हैं, है, बट वो ये पर्सन आपके जो पर्सन है ना सेटिस्फाइड नहीं है इनके साथ, ठीक है, इनको वो खुशी, वो अंदर से खुशी नहीं मिलती जो आपके साथ इनको मिला करती थी, इनको समझ आ गई है ये बात, तो अब ये पर्सन अपने डिसीजन पर, ठीक है, इनको खुद लग रहा है कि इन्होंने मूर्ख वाले काम किया, इनको खुद लग रहा है, और ये पर्सन अपने डिसीजन पर, ये पर्सन मुझे गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, किसी तरह का ना चीटिंग मुझे दिखाई दे रहा है, पता है बार बार इनके रिलेशनशिप में बार बार मुझे दिखाई दे रहा है किसी तरह का चीटिंग इनके रिलेशनशिप में,